आज मैं आप लोगों के लिए रागी के आटे की रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा रागी की रोटी बनाने में। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए रागी की रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। रागी को मड़ुआ भी बोला जाता है, नाचनी भी बोला जाता है। तो मेरे तरीके से आप लोग एक बार ये रागी की रोटी बना के ज़रूर देखें। बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। आप एक ही बार में बहुत अच्छा रोटी बना के तैयार कर लोगे ये रागी का। तो चलिए फिर इसे बना लेते हैं। रागी की रोटी बनाने के लिए हमने एक कटोरी रागी का आटा ले लिया है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक बर्तन चढ़ा दिया, उसमें डालेंगे एक कटोरी पानी। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने एक कटोरी पानी डाल के गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें डाला हमने 2 पिंच नमक। तो आप यहाँ देखेंगे कि नमक हमने डाल दिया है। नमक डाल के इस पानी को उबलने देंगे। पानी जब उबल जाएगा तब हम इसमें रागी का आटा डाल देंगे। रागी का आटा डालते ही हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो चलिए अब इसे ठंडा होने देते हैं और इसे एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने इस आटे को एक बर्तन में डाल दिया है। चलिए हम इसको गूंथ लेते हैं। इसको गूंथने में भी ज़्यादा झंझट नहीं लगता है, आसानी तरीके से गूंथ के रेडी हो जाता है। आप इस रागी की रोटी को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो। आटा हमने लगा लिया है, इसका समान भाग में हम लोई तोड़ लेंगे। रागी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि रोटी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है। अब हम चलिए इसको हम समान भाग में लोई तोड़ लेते हैं और तब हम इससे रोटी बनाएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि हमने एक लोई को लेके पेड़ा का आकार दे दिया है और इसमें हम सूखा आटा लगा देंगे रागी वाला और इसको हाथों से इस तरह से चकले पे डाल के बेलन से बेल लेंगे। हल्के हाथों से ही इस रोटी को बेलना है। आपका रोटी बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा अगर आप लोग मेरे तरीके से एक बार ये रागी की रोटी बनाकर देखेंगे तो। आप लोगों को रोटी बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि रागी का रोटी हमने बेल लिया है। इधर गैस पे मैंने तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो चलिए फिर तवा पे हम ये रागी वाला रोटी डाल देते हैं। जब एक तरफ से हल्का ये हो जाएगा तब हम इसको दूसरी तरफ से पलट लेंगे। आप देख सकते हो हमने इसको दूसरी तरफ पलट दिया है। अब अंदर के तरफ भी इस तरह से हम देखते रहेंगे एक दो बार कि अंदर से हुआ कि नहीं। तब जब हो जाएगा तब हम इसको दूसरी तरफ पलट लेंगे फिर से। आप देख सकते हो अब ये रोटी हो चुका है। अब हमने इसको दूसरी तरफ से पलट लिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से रागी का रोटी फूल गया है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे कि रागी का रोटी बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। और टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। आप चाहे तो इसमें घी भी लगा के खा सकते हो, नहीं तो बिना घी के भी आप खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरा रागी की रोटी की वीडियो की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।